खंडवा आए मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के लोगों के खिलाफ देशद्रोह का प्रकरण दर्ज किया जाएगा, जिन्होंने पाकिस्तान की ISI एजेंसी के लिए जासूसी का काम किया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। इसी के साथ दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुए एक एक भ्रष्टाचार के प्रकरण की पोल खोली जाएगी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से नहीं करवाना भारत के राष्ट्रपति का अपमान है। उन्होंने कहा कि मोदी जी सिर्फ अपना चेहरा दिखाने के लिए खुद यह उद्घाटन कर रहे हैं। आदिवासी महिला राष्ट्रपति आपने श्रेय लिया, हम तो उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उनका अपमान आप नहीं कर रहे। वो झारखंड में जाके हाईकोर्ट की व्यक्तिगत मुलाकात कर सकती है, लेकिन दिल्ली में रहते हुए दिल्ली के नए संसद भवन का उद्घाटन वो नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि मोदी जी अपना ही चेहरा पूरे उद्घाटन में दिखाना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के लोगों के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, जिन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी का काम किया है। एक बात सुनिए, व्यापम की लड़ाई कौन लड़ा? क्या आप लोग लड़े? क्या डंपर की लड़ाई आप लोग लड़े या हम लोग लड़े? जो हमने विद्रोह उनके खिलाफ हर कदम पर आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, डंडे खाए हमारे लड़कों ने, हमने खाए, वाटर कैनन हमने सही, क्या आपने सही? हमने सही, किसने विरोध नहीं किया? आप क्या कहते हैं हमने विरोध नहीं किया? कौन से विषय पर हमने उनका विरोध प्रमाण नहीं दिया? आपने कहा, हमने तो किया था। उसके बाद जिस प्रकार से केस आगे चला आप देख लीजिए, लेकिन ये सारे केस खोले जाएंगे। सरकार हमारी अगर आती चुनकर तो एक एक भ्रष्टाचार का प्रकरण में जिम्मेदारी तय की जाएगी और राष्ट्रीय द्रोह के मामले में इनके बजरंग दल के लोग और BJP के लोग जिन्होंने ISI की पाकिस्तान की इंटेलिजेंसी के की जासूसी की है, उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का प्रकरण फिर से दायर किया जाएगा, उनको जेल भेजा जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो खंडवा आए मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के लोगों के खिलाफ देशद्रोह का प्रकरण दर्ज किया जाएगा, जिन्होंने पाकिस्तान की ISI एजेंसी के लिए जासूसी का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, खंडवा।